अब जांच बढ़ेगी तो हो सकता है कि और बिजनेस इसी की जद में आ जाए। देखिए आप सबके अवसर जी जो नारा था जी, उसको अफसरों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है हाँ, कि कैसे जनता को लूट लिया जाए सरकारी धन, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा हाँ। तो प्रतापगढ़, फरुखाबाद, चंदौली, मैनपुरी, बाराबंकी खूब लूट हुई हाँ। और जिलों में जो सामान 5,2800 रुपए का था के लिए भुगतान के लिए वो 12,500 में खरीदा, तो ये जो अधिकारी है ये सरकार की जो नीति है कि हम पारदर्शी सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी नाक के नीचे डीएम और डीपीआरओ इन लोगों ने मिलकर लूट की है जी। और उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन जिलों का देखिए खुलासा हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी को जनता को लूटे, और उत्तर प्रदेश में जो महामारी है इस महामारी में अधिकारी खूब करोड़ों रुपया बनाए और सरकार खाली गाल बजाती रहा ईमानदारी का जी। बिल्कुल फिर देखिए, इससे पहले सुल्तानपुर का मामला सामने आया था जहां पर इस तरीके से धांधली सामने आई थी, तब डीएम सफाई देती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कई गुना ज्यादा कीमत पर किट खरीदी गई है, कोरोना किट को खरीदने में 12,000 से ज्यादा की रकम प्रतापगढ़ में भुगतान की गई है। और इसी तरीके से ये 7 जिले हैं जिसमें चंदौली भी है, बाराबंकी भी है, मैनपुरी भी है, फरुखाबाद भी है और पीलीभीत भी है, जहां पर एक घोटाला हुआ है जहां पर दोगुने से अधिक दाम पर ये किटें खरीदी जाती हैं। और इसी के साथ एक जिले में 1,000 से ज्यादा देखिए ग्राम पंचायतें होती हैं और इन ग्राम पंचायतों में इतनी बड़ी संख्या में ये अगर किट सप्लाई की जाती है और वो भी बढ़े हुए दामों में, तो किस कदर ये धांधली हुई है करोड़ों की आप समझ सकते हैं। नगर निकायों में भी यही किट सप्लाई हुई है, गांवों में ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर खरीदना था, लेकिन यूपी में बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार अब देखा जा रहा है। 7 जिले अभी सामने आए हैं। इससे पहले देखिए खबर चली थी जब सुल्तानपुर में ये घोटाला उजागर हुआ था, जहां पर 9,950 की किट खरीदी जाती थी, जिसको लेकर संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तब भी विपक्ष हमलावर था और ये कहा गया था कि जितने भी जिले हैं